सीबीआई ने शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुबह 11 बजे सीबीआई ने बुलाया है और इसे लेकर दिल्ली में भारी हलचल है। सीबीआई के सामने हाजिर होने से पहले मनीष सिसोदिया राजघाट जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सिसोदिया के घर पहुंच चुके हैं। बड़ी संख्या में आप समर्थक तिरंगा लिए 22 सिसोदिया के घर के बाहर पहुंच चुके हैं और ये बताया जा रहा है कि ये नेता मनीष सिसोदिया के साथ सीबीआई दफ्तर जाएंगे। उधर बवाल की आशंका में दिल्ली पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर ली है। सीबीआई मुख्यालय की तरफ जाने वाले दोनों तरफ के रास्तों पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है। 10 से 15 एसएचओ, 4 से 5 एसीपी की तैनाती वहां की गई है। दिल्ली पुलिस की फोर्स अर्धसैनिक बल के जवानों की तैनाती की जा रही है। मनीष सिसोदिया के घर के आसपास धारा 144 लगाई गई है। दिल्ली शराब घोटाले में सबसे बड़ी पूछताछ, सीबीआई करेगी मनीष सिसोदिया से पूछताछ। क्या गिरफ्तार होंगे मनीष सिसोदिया? उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को केंद्र सरकार की सीबीआई गिरफ्तार करेगी। अटकलें गर्म है। दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। सीबीआई के समन की पुष्टि कल मनीष सिसोदिया ने खुद इस ट्वीट के जरिए कर दी। सिसोदिया ने ट्वीट किया, मेरे घर पर 14 घंटे सीबीआई रेड कराई, कुछ नहीं निकला। मेरा बैंक लॉकर तलाशा, उसमें कुछ नहीं निकला। मेरे गाँव में इन्हें कुछ नहीं मिला। अब इन्होंने 11 बजे मुझे सीबीआई मुख्यालय बुलाया है। मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा। सत्यमेव जयते। जुलाई के महीने में सीबीआई को दिल्ली के कथित शराब घोटाले की जांच सौंपी गई थी। कई ठिकानों पर छापेमारी और दो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन सिसोदिया को सीबीआई के समन का गुजरात का चुनावी कनेक्शन बता रही है। और आने वाले एक महीने में मनीष सिसोदिया जी के जो कार्यक्रम लगे हुए हैं गुजरात चुनाव को लेके, गुजरात के अंदर प्रचार को लेके, उसको रोकने के लिए कल मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया जाएगा। आम आदमी पार्टी इस जांच को सियासत से जोड़ रही है, लेकिन आज तक को इस केस की जांच को लेकर सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस केस में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर ने कथित रूप से कुछ नाम बताए हैं। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई अब तक 10 आरोपियों के बयान दर्ज कर चुकी है। कल भी सीबीआई मुख्यालय में कुछ शराब कारोबारियों से पूछताछ हुई। आज जब सीबीआई सिसोदिया से पूछताछ करेगी तो ये तय है कि अब तक की जांच से मिले सबूतों से उनका सामना कराया जाएगा। कहते थे मैं शराब बंदी करूंगा, मैं शराब बहुत बुरी चीज है, शराब पीना बुरा है, मैं दुकानें कम करूंगा, मैं मोहल्ले में दुकानें खोलूंगा नहीं। लेकिन जब सरकार में बैठे तो एक्साइज पॉलिसी बना करके बस मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाने का इंतजाम कर दिया और घोटाले पे घोटाला किया। घोटाला क्या किया? घोटाला ये किया कि शराब के ठेकेदारों से 2% का कमीशन होता था, उस कमीशन को 12% कर दिया। 12% दे दो, 6% ले लो, कमाई। दिल्ली शराब घोटाले में अब तक 3 बड़ी गिरफ्तारी हो चुकी हैं। इससे पहले ईडी ने शराब कारोबारी इंडो स्प्रिट्स के मालिक समीर महेंद्रू और सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर और दक्षिण भारत के प्रमुख शराब कारोबारी अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया था। अरविंद ओझा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। इस वक्त दो खास सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनीष सिसोदिया के घर के बाहर से शुभांकर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ सीबीआई दफ्तर के बाहर से मुनीश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। शुभांकर, सबसे पहले जरा आप तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर लोगों के जुटने का सिलसिला कहा जा रहा था शुरू हो चुका है और सिसोदिया तो ये कह रहे हैं कि आज ही गिरफ्तारी भी होगी। क्यों लग रहा है उनको ये डर?
देखिए अर्पिता, गुड मॉर्निंग। और दर्शकों को सबसे पहले बता दें कि आज जिस जगह पर हम मौजूद हैं, मनीष सिसोदिया घर के बाहर, यहां पर धारा 144 लगा दी गई है। मैं अपने कैमरा पर्सन मदन से कहूंगा एक बार जरा कैमरा पैन करें और तस्वीरें दिखाएं। देखिए, मनीष सिसोदिया के घर के काफी बाहर दोनों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी गई है और किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। यहां तक कि मीडिया कर्मियों को भी नजदीक जाने की इजाजत नहीं है। उनके घर से थोड़ी दूर बैरिकेडिंग यहां पर आप देख रही हैं। पुलिस के साथ साथ यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं, उनके जवानों की तैनाती की गई है। जैसा कि आपने रिपोर्ट पे दिखाया भी कि बड़ी संख्या में जवान जो हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। तो ये तस्वीरें तो हमने आपको दिखा दी, दूसरी तरह की तस्वीर दिखाते हैं। कैमरा पर्सन मदन से रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि वो इधर आए और दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाएं, क्योंकि ये जो गेट मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि इसी गेट के जरिए तमाम जो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता वो थोड़ी देर में यहां पहुंचेंगे। अब से थोड़ी देर पहले यहां संजय सिंह पहुंचे थे और संजय सिंह से बात करने के दौरान हमें एक बात का एहसास हो गया कि आज दिन भर की जो ये लड़ाई है, ये दो मसलों पर, दो अलग अलग एंगल पर रहने वाली है। एक करप्शन और दूसरा इलेक्शन। बीजेपी जब बात करेगी तो वो कहेगी कि देखिए, सियासत में करप्शन हुआ था इसलिए जो एजेंसियां हैं वो कार्रवाई कर रही हैं। वहीं जब आम आदमी पार्टी को आप सुनेंगे तो वो कहते हुए नजर आएंगे कि क्योंकि इलेक्शन है गुजरात में, लिहाजा करप्शन का मामला उठाया गया है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया है। गाड़ियों के आने का सिलसिला जो है लगातार जारी है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आज यहां पर जो फोर्स डिप्लॉय हुई है ये पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा है। वो तमाम लोग जो इस खबर को लगातार कवर कर रहे थे वो भी ये कह रहे हैं कि यहां पर डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया है। अब क्या ये डिप्लॉयमेंट इसलिए है क्योंकि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि ये बात आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है। चाहे मनीष सिसोदिया हो, सुबह ट्वीट किया, कहा कि मेरे पैतृक गांव गए, मेरे लॉकर में देखा, तमाम चीजों को देखा, लेकिन कुछ मिला नहीं। आम आदमी पार्टी के सभी नेता भी यही बोली बोल रहे हैं कि गुजरात में चुनाव है, सिसोदिया को जाना था, माहौल बना हुआ था, लेकिन उसके पहले डेंट कर दिया गया। बीजेपी ये कह रही है कि आबकारी नीति में पद का दुरुपयोग किया गया था और उस दुरुपयोग की वजह से एजेंसियां जांच कर रही हैं और ये पूरा जो कार्रवाई हो रही है ये दिल्ली के शिक्षा या स्वास्थ्य मंत्री पर नहीं हो रही है, बल्कि ये दिल्ली के आबकारी मंत्री पर हो रही है, इसलिए इसको लेकर माहौल मत बनाया जाए। अगर सिसोदिया बेगुनाह है तो जाकर सबूत दे दें। लेकिन कुल मिलाकर अब से थोड़ी देर में आप यहां देखेंगे कि ये जो इलाका है जहां बैरिकेडिंग लगी हुई है ये पूरी तरह से भर जाएगा। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जो है वो आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी जब हम और आप बात कर रहे हैं तकरीबन 9:15 के आसपास, तो यहां पर इस इलाके में कम से कम आम आदमी पार्टी के बहुत कार्यकर्ता नहीं है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इनके समर्थन में तिरंगा रैली निकाली जाएगी और बड़ी संख्या में जैसे समय आगे बढ़ेगा, खासतौर पर जब सीबीआई दफ्तर जाना होगा तो कार्यकर्ता जुटेंगे। यहां पर मनीष सिसोदिया के घर के बाहर काफी जमावड़ा अब उम्मीद की जा रही है, ऐसा लग रहा है कि ज्यादा लोग यहां पर पहुंचेंगे। यानी एक तरफ यहां आम आदमी पार्टी की तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ने भी अपने पूरे सवालों की एक लिस्ट तैयार कर ली है। मुनीष का रुख कर लेते हैं। मुनीष, कौन कौन से सवाल आज पूछे जा सकते हैं मनीष सिसोदिया से? और मनीष सिसोदिया तो ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो सकती है, क्या सीबीआई के इरादे भी कुछ ऐसे दिख रहे हैं? जी बिल्कुल अर्पिता, और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर किस तरह का माहौल है। देखिए, ये जो मेन रोड है इसको सीबीआई ने पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया है दोनों तरफ से। सीजीओ कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू के बाहर ये ठीक स्थित है सीबीआई का हेडक्वार्टर। और अमूमन बात करें तो इस समय जबरदस्त यहाँ पर ट्रैफिक रहता है, लेकिन आज सीबीआई ने बतौर एहतियात इसको बैरिकेड करवा दिया है। मुंबई पुलिस, माफ करिएगा, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो दोनों तरफ से तैनात कर दिए गए हैं। कोई भी आम आदमी पार्टी या फिर कोई भी राह चलता आदमी यहां पर आ नहीं पाएगा, सिर्फ और सिर्फ सीबीआई के अधिकारी और बाकी जो सरकारी दफ्तर हैं उसके अलावा जो मीडिया कर्मी हैं उनको आने की इजाजत है। 11 बजे जो शख्स आएंगे वो सबसे महत्वपूर्ण आने वाले हैं, वो हैं मनीष सिसोदिया। अब जो बात की आपने, देखिए, तीन विषयों को लेकर आज सीबीआई पूरी तरह से मनीष सिसोदिया को घेरने वाली है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो एंगल आता है वो करप्शन का एंगल, क्योंकि सीबीआई ने अपनी प्रारंभिक जांच में पाया था कि कहीं ना कहीं जो मनीष सिसोदिया से जुड़े हुए तीन शख्स हैं, चाहे वो विजय नायर की बात करें या समीर महेंद्रू की बात करें या फिर अभिषेक बोइनपल्ली की बात करें जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, इनके जरिए जो पैसा आ रहा था, सीबीआई का ये आरोप लगा है कि ये पैसा आम आदमी पार्टी के नेताओं तक भी पहुंच रहा था। इस पर उनको सबसे पहले जवाब देना होगा, विजय नायर से पूछताछ हुई है, विजय नायर ने कुछ नाम सीबीआई को बताया ऐसा सूत्र कह रहे हैं। इसके अलावा 10 ऐसे आरोपी हैं जिनको एफआईआर में नामजद किया गया था, उनके भी सीबीआई ने बयान दर्ज किए हुए हैं और उसमें भी मनीष सिसोदिया से जुड़े हुए साक्ष्य और सबूत सीबीआई को मिले हुए हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो आरोप लगा है मनीष सिसोदिया के ऊपर, जिसका उनको जवाब देना होगा, कि क्या ये पूरी की पूरी आबकारी नीति जो थी, शराब नीति, क्या वो सिर्फ इस वजह से बनाई गई थी ताकि शराब व्यापारी ज्यादा पैसा कमाए और वो पैसा आम आदमी पार्टी के नेताओं तक पहुंचे? और तीसरा और सबसे गंभीर जो आरोप लगा है मनीष सिसोदिया और पूरी आबकारी नीति को लेकर, कि जो पैसा शराब व्यापारियों ने कमाया वो आम आदमी पार्टी के नेताओं तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है।